हॉलीवुड और पॉप कल्चर के कई सारे कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज वैसे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि कई लोग बोल रहे थे कि भाई तुम्हारी खुद की वेबसाइट है .com, इस बार गिव अवे का तरीका थोड़ा डिफरेंट है इस बार जिसके कॉमेंट पे जीरो लाइक्स आएंगे मतलब जो भी आप कॉमेंट्स करेंगे और उस पर एक भी लाइक्स नहीं आए तो वही विनर होगा और उन्हीं में से बीस लकी विनर्स को मिलेगा ड्राफस्टर की तरफ से थर्टी पोस्टर्स तो हाँ पार्टिसिपेट करना है तो नीचे कॉमेंट कर देना और होप करना कि कोई लाइक ना करे और हां ऑब्वियसली जो चैनल का सब्सक्राइबर होगा ये उसी के लिए वैलिड होगा तो चलो सबसे पहले आ जाते इस वीक रिलीज हुए कुछ नए मूवीज एंड उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और रेटिंग पे जहां सबसे पहले ऑब्वियसली रिलीज की गई है जो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी इसके डोमेस्टिक रिपोर्ट आ चुके हैं मतलब फाइनल कलेक्शन नहीं आया है और वहां इसका कलेक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है लगभग सेवेंटी मिलियन डॉलर का जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट एक दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो आ ही चुका होगा लेकिन कमाल की बात यह है कि ये मूवी इंडिया में काफी तगड़ा रिस्पॉन्स दिखा रही है और ओपनिंग डे पे ही मतलब

92% की रेटिंग दी है इसी के बाद यूनिवर्स मतलब विनी द पू जो कैरेक्टर था उसकी जो मूवी आई थी उसका सीक्वल आया था विनी द पू ब्लड एंड हनी टू जिसकी रेटिंग कुछ कमाल की आई है मतलब अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो रॉट एंड टूट पे हंड्रेड परसेंट क्रिटिक्स का स्कोर है और 79 का। और ऐसी रेटिंग से लोग इसलिए मिला था और का 50 का। इवन इसका पार्ट भी हो चुका है और ये भी कंफर्म कर दिया गया कि वो ज्यादा बजट के साथ बनेगा सुनी की मैकुलेट आई थी तो उसका भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी जो है वर्ल्ड वाइड वो लगभग टेन मिलियन डॉलर पहुंच चुका है जो की कैटेगरी के हिसाब से ठीक ठाक है और साथ ही घोस्ट बस्टर्स फ्रोजन एम्पायर भी रिलीज किया गया था इस मूवी ने भी वर्ल्ड वाइड सेवेंटी मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन कर लिया है मतलब हाँ कलेक्शन सारी मूवीज के ठीक ठाक जा रहे हैं और हाँ ड्यून पार्ट टू का भी सारे लोग कलेक्शन पूछते रहते हैं तो यार इस मूवी ने अभी तक वर्ल्ड वाइड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी मिलियन डॉलर का कलेक्शन कर लिया है, वैसे, 2 को कर एक दो और है जैसे कि ड्यून पार्ट टू देखा और उन्होंने बोला की अभी तक उनका ये बेस्ट एक्सपीरियंस रहा था किसी भी साई फाई मूवी को लेकर उन्होंने लिटरली ये स्टेटमेंट दिया की वन ऑफ दी मोस्ट ब्रिलियंट साइंस फिक्शन मूवी ही है और हाँ साथ ही ड्यून का एक गेम आ रहा है ड्यून अवेकनिंग करके तो उसके भी ये कुछ स्टेल में

2025 तक इसको रिलीज कर दिया जाना चाहिए या डिले भी हुई तो अर्ली 2026 में तो ये आप तक जाएगी। इस को जैसा जॉन वॉर्ड डायरेक्ट नहीं करने वाले बल्कि कोई दूसरा डायरेक्टर इस मूवी को हैंडल करेगा और अभी तक ऑफिशियली डायरेक्टर फाइनल नहीं हुआ है लेकिन हाँ डायरेक्टर जस्टिन लिन का नाम

नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 में 31 जनवरी को रिलीज की जाएगी ने एक वीडियो और कुछ भी शेयर किए थे थंडर का लोगो रिवील हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ येलोना बेलोवा का कॉस्ट्यूम भी देखी सकते हो देन सोनिक फ्रेंचाइज के भी फैंस बहुत सारे है तो हाँ आपके लिए खुश खबरी है क्यूँकी सोनिक थ्री की फिल्मिंग कम्प्लीट हो चुकी है और इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम स्टार्ट हो चुका है फिर आगे बढ़ते हैं क्रिस्टफर नोलन पे क्यूँकी अब मुझको लगता है की इनको

ऐसा लग रहा है कि इसके सीजन थ्री को होल्ड पर डाल दिया गया है जहां सबसे पहले तो एच दूसरे एक्टर्स को बोल रहे थे कि भाई दूसरे काम में मत लग जाना क्योंकि सीजन थ्री की फिल्मिंग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग लेकिन अब कुछ अलग हो गया है एचबीओ की तरफ से स्टेटमेंट आ गया एक्ट्रेस दूसरे दूसरे जॉब को ढूंढ ले मूवीज में एक्ट करना स्टार्ट कर दे क्यूंकि अभी के लिए ये सीरीज होल्ड पे है मतलब एचबीओ का एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है की इसकी फिल्मिंग जल्द ही स्टार्ट होगी लेकिन तब तक के लिए आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो मतलब एक तरह से डिसेंट वे में इन्होंने बोला है की भाई टाटा बाय बाई अपना

करेबियन का बहुत लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और सबको ऐसा लग रहा था कि सिंस अभी सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है

तो हाँ यार ये थे इस वीक के अपडेट्स होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना शेयर करना एंड ऑब्वियसली चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना मेरा गॉडजिला एक्स का रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और ड्यून यूनिवर्स को पूरी तरह से समझने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा टिल देन बी देसी बी नर्ड